हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डाइस के पार्ट टू की बात करेंगे, यानी कि पासा का पार्ट टू यहां पे देखेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे ओपन डाइस यानी खुला पासा, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस को यहां पे कवर किया है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो यहां आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जैसा कि हमने बताया, ओपन डाइस की यहां पे बात करने वाले हैं। अब यहां पे देखो, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आपसे पूछ दे कि केक का अपोजिट क्या होगा, यानी केक का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरह का कुछ भी आपको फिगर, इस तरह का कोई भी चित्र आपको दिखाई दे रहा है तो मैंने क्या देखा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक, दो, तीन और चार, है ना, ये चार नंबर हो गए। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि पहला जो नंबर है, पहला किसके अपोजिट होगा, तीसरे के, है ना, पहला तीसरे के होगा, और जो दूसरा है वो हो जाएगा चौथे के अपोजिट होगा, और बाकी जो बचे हुए हैं ना वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, जो पहला बॉक्स है ये किसके विपरीत होगा, तीसरे के, तो पहला तीसरे के विपरीत होगा। तो यानी के का अपोजिट क्या हो जाएगा, के का जो अपोजिट है वो हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना, ये चीज मैंने देख ली, समझ में आ चुका होगा, के का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, दूसरा किसका विपरीत होगा, दूसरा मैंने बताया था चौथे बॉक्स का, तो यहाँ पे दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है सी और चौथे में लिखा हुआ है डी, तो ये एक इसका विपरीत होगा यानी अपोजिट होगा। अब बचे हुए दो जो हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो बचे दो कौन कौन से बचे हैं, क्या बचे हैं, देखो यहाँ से ई बच गया और यहाँ से क्या बच गया, बी बच गया, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ई और बी एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो अब आपसे कुछ भी पूछे, चाहे के का अपोजिट पूछे, चाहे ए का अपोजिट पूछे, चाहे डी का पूछे, चाहे बी का पूछे, किसी का भी अपोजिट पूछे, अगर आपसे पूछे के का अपोजिट क्या होगा यानी के का विपरीत क्या होगा, तो आप आंसर करोगे ए। अगर आपसे पूछे सी का विपरीत क्या होगा, तो सी का विपरीत हो जाएगा डी। अगर पूछे बी का विपरीत क्या होगा, तो आप आंसर इजीली कर दोगे ई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी चीज कौन सा नंबर किसके विपरीत होगा। तो यहाँ आप देखिए, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, चार बॉक्स ये हो गए और बचे हुए आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब चार बॉक्स है, इसमें से मैंने क्या बताया था, पहला बॉक्स हमेशा तीसरे बॉक्स के साथ विपरीत होगा और दूसरा बॉक्स हमेशा चौथे बॉक्स का विपरीत होगा और बचे हुए आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो पहला बॉक्स ये है और पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ, छह, तो पहला बॉक्स तीसरे बॉक्स के विपरीत होगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे विपरीत, यानी छह का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा पांच। इसी तरह से दूसरे बॉक्स और दूसरा बॉक्स किसके विपरीत होगा, चौथे बॉक्स के, दूसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, दो, तो दो किसके विपरीत होगा, चार के, तो मैंने यहां लिख दिया चार। अब बचे हुए दो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो दो कौन कौन से बच गए, एक तो ये एक बच गया और ये तीन बच गया, तो तीन और एक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो अब आपसे कुछ भी पूछे, अगर आपसे पूछ दे कि चार का विपरीत क्या होगा, तो आप देख सकते हो चार और दो आपस में अपोजिट होंगे, तो चार का विपरीत दो हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि छह का विपरीत क्या होगा, तो आप इजीली देख सकते हो कि छह का विपरीत क्या होगा, पांच होगा, और अगर एक का विपरीत पूछे तो आप इजीली आंसर कर दोगे तीन। नेक्स्ट यहाँ देखिए, क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है और आपसे पूछ सकते हैं किसी भी लेटर का, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, भाई इसका विपरीत क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे चीजों को समझिए। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, एक, दो और तीन, यहाँ पे तीन ही बॉक्स है और यहाँ पे भी एक, दो और तीन है, कोई टेंशन नहीं है, तीन है तो क्या दिक्कत होगी। मैंने क्या चीज बताई, वो चीज आपको याद रखना है कि हमेशा पहला जो बॉक्स है वो तीसरे बॉक्स का विपरीत होगा और दूसरा बॉक्स यहाँ पे चौथे बॉक्स का विपरीत होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, चार बॉक्स तो है ही नहीं, इस ऊपर वाले में भी तीन है और नीचे वाले में भी तीन है, तो तीन है तो क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, पहला जो है वो तीसरे का विपरीत हो जाएगा। तो यानी एक पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, और जो और यहाँ पे पहला बॉक्स किसके विपरीत होगा, तीसरे बॉक्स के, तीसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ, आई, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी वही पहला बॉक्स तीसरे बॉक्स के विपरीत होगा, तो पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ओ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ, और तीसरा बॉक्स तीसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, पी, तो मैंने यहाँ लिख दिया पी। अब बच क्या गया, यहाँ से तो इस वाले में से तो ई बच गया
और इस वाले में से जी बच गया, तो ये दोनों जो बचे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ई का अपोजिट हो जाएगा जी। अब आपसे कुछ भी पूछे, चाहे पी का अपोजिट पूछे चाहे जी का अपोजिट पूछे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। ए का अपोजिट आई है, ओ का अपोजिट पी है, यानी विपरीत, अपोजिट यानी विपरीत। ई का अपोजिट क्या है, जी है, इस तरह से। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है, काफी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, एक दो और तीन, है ना, तीन तीन यहाँ पे बॉक्स दे रखे हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी एक दो और तीन, तीन ही बॉक्स इसमें दे रखे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। क्या मैंने समझा रखा है, पहले बॉक्स का विपरीत हमेशा तीसरा बॉक्स होगा और दूसरे बॉक्स का हमेशा चौथा बॉक्स विपरीत होगा, लेकिन चार बॉक्स है नहीं तो क्या टेंशन है। पहला बॉक्स का विपरीत कौन सा हो जाएगा, तीसरा बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, छह, और तीसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, चार। तो छह का विपरीत हमेशा क्या होगा, मतलब हमेशा नहीं, मतलब इस वाले चित्र में छह का विपरीत चार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला बॉक्स का विपरीत हो जाएगा तीसरा, तो पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, पांच, और पांच के बाद यहाँ पे तीसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, तीन। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब बच क्या गए, जो बच गए वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो इसमें से यहाँ दूसरा बॉक्स में बचा दो और यहाँ पे दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है एक, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो छह का अपोजिट चार हो गया, पांच का अपोजिट तीन और दो का अपोजिट एक, ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब अगर इस तरह का पूछे तो क्या होगा, तो कोई टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बस माइंड में एक ही चीज क्लियर रखनी है हमेशा, कि पहले बॉक्स का विपरीत हमेशा तीसरा बॉक्स होगा और दूसरे बॉक्स का विपरीत हमेशा चौथा बॉक्स होगा, बाकी बचे हुए दो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बीच वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो ये पहला बॉक्स, तो ये है पहला बॉक्स का विपरीत कौन सा हो जाएगा, तीसरा बॉक्स। तो पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, एक, और तीसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, चार। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट, यानी एक का अपोजिट चार हो जाएगा, चार का अपोजिट एक हो जाएगा, इस तरह से। अब दूसरा बॉक्स किसका अपोजिट होगा, चौथे बॉक्स का, तो दूसरा बॉक्स हमेशा चौथे बॉक्स का अपोजिट होगा। दूसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, तीन, और चौथे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ बॉक्स जो है उसमें लिखा हुआ है दो, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब बचे हुए दो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो क्या बचा है, यहां से देखो छह बच गया इधर से, और इधर से ये पांच बच गया, तो जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी छह का विपरीत क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछे, एक का अपोजिट चार, तीन का अपोजिट दो, छह का अपोजिट पांच, कुछ भी पूछे आंसर इजीली कर सकते हो। अब देखो, अब आपसे पूछे इस तरह का कुछ फिगर आपको बना रख के दे रखा है क्वेश्चन में, और पूछा जाए कि यहाँ से ये जो इस तरह का क्वेश्चन फिगर है, इससे इन ऑप्शंस में से कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा चित्र बनेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। जो अभी पीछे क्वेश्चन सीख लिए ना, तो ये इजीली कर लोगे। कैसे करोगे, ध्यान दीजिए, मैंने क्या सिखाया, हमेशा भी एक का जो विपरीत है वो हमेशा तीसरा बॉक्स होगा, और दूसरे बॉक्स का विपरीत हमेशा कौन सा बॉक्स होगा, चौथा बॉक्स होगा, ये चीजें माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे मैंने देखा पहला बॉक्स ये है और तीसरा बॉक्स ये है, तो यानी छह का जो विपरीत है वो हो जाएगा चार। अब यहां से मैंने देखा पहला बॉक्स का विपरीत हो जाएगा तीसरा बॉक्स, तो पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, एक, और तीसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, पांच। अब बचे हुए दो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो कौन से बचे हैं, यहां से तीन बचा है और यहां से दो, तो यहां पे मैंने लिखा तीन और यहां से मैंने लिखा दो। तो मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी छह का अपोजिट चार है, पांच का, एक का अपोजिट पांच है और तीन का अपोजिट दो है। तो अब यहाँ पे अब आप सोच रहे हो कि अपोजिट तो हमने देख लिए, लेकिन यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कौन सा चित्र, कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखो करना क्या है, जो अपोजिट नंबर है ना, एक नोट डाल के आप लिखिए कि जो भी अपोजिट नंबर है वो कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, यानी जो चित्र बने हुए हैं उस चित्र में जो नंबर अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, वो एक साथ कभी नहीं दिखने चाहिए। तो चलो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में मैंने देखा यहाँ पे दो दे रखा है। अब बताओ दो का अपोजिट क्या है, यहाँ पे मैंने देखा यार दो का अपोजिट तो तीन है, लेकिन यहाँ पे दो के साथ तीन दिखाई दे गया, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो। अब दो का अपोजिट मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने देख लिया दो का अपोजिट तीन है, तो यहाँ पे भी ये एक साथ दिखाई देंगे, जबकि मैंने अभी नोट क्या लिखा हुआ कि जो अपोजिट होंगे वो एक साथ नहीं दिखने चाहिए, और ये दो एक साथ दिख गए तो इसलिए ये नहीं होगा, ये तो बन ही नहीं सकता, ये दो तो नहीं बन सकते। अब इनमें से देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तीन, तीन का अपोजिट क्या है,
तीन का अपोजिट गाइस दो है, तो चलो इसके चांस है बनने के, लेकिन अभी आगे और चेक करेंगे क्योंकि अभी तो नहीं कह सकते ना, तो चलो इससे तो ये कैंसिल नहीं हो रहा। अब यहाँ देखिए पांच पांच लिखा हुआ है, पांच का अपोजिट क्या है? तो आपने देखा कि पांच का अपोजिट एक है, तो क्या इस चित्र में दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो यानी कि अभी भी चांस है इसके बनने के। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चार, चार का अपोजिट क्या है? तो मैंने देखा चार का अपोजिट तो यहाँ पे छह है, तो अब यहाँ पे छह इसमें दिखाई दे रहा है क्या? यानी जो अपोजिट संख्या है वो आपस में एक साथ नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पे ये इजीली बन जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब आप चाहो तो इसको देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पांच और पांच का अपोजिट क्या है? एक, तो चलो एक तो नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी चांस है इसके बनने के। अब यहाँ लिखा हुआ है छह, छह का अपोजिट क्या है? चार, तो यहाँ देखिए छह का अपोजिट चार, जो कि यहाँ पे सात में दिख गया अपोजिट, तो इसलिए डी वाला बनेगा नहीं, तो ए के ऑप्शन बचा सी। नेक्स्ट यहाँ बताइए, अब यह बताइए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है, और बताइए कि इससे यहाँ पे इनमें से कौन सा डायग्राम बनेगा। तो करना क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूँ, पहला बॉक्स तीसरे बॉक्स के अपोजिट होगा, पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है छह और तीसरे में क्या लिखा हुआ है चार, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें से भी पहला बॉक्स तीसरे के अपोजिट होगा, पहले बॉक्स में लिखा हुआ है पांच और तीसरे में लिखा है तीन, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे नंबर। अब यहाँ पे जो बच गए, यहाँ से बच गया दो और इस वाले में से बच गया एक, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब मैंने नोट क्या लिखवाया था, मैंने नोट ये लिखवाया था कि चित्र यहाँ पे ढूंढना है कि भाई कौन सा चित्र बनेगा, तो उसके लिए मैंने एक नोट लिखवाया था कि ये जो नंबर कॉमन है ना, ये कॉमन नंबर इन चित्र में एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा है एक। अब एक का विपरीत क्या है? यहाँ पे मैंने देखा एक का विपरीत दो है। अब इसमें तो देखो एक और दो, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों जो अपोजिट नंबर है वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो बन ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन बी को, यहाँ पे लिखा है तीन, तीन का विपरीत क्या है? पांच, तो पांच तो नहीं दिखाई दे रहा, तो चलो चांस है इसके बनने के। आगे चेक करते हैं, यहाँ लिखा है दो, अब दो का विपरीत क्या है? दो का अपोजिट है एक, तो दो का अपोजिट एक है, एक भी नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर भी चांस है चलो बन सकता है। अब यहाँ लिखा है चार, चार का अपोजिट क्या है? छह, तो छह भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी का आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे ऑप्शन सी को अपन चेक करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन लिखा हुआ है, तीन का अपोजिट क्या है? पांच, तो यहाँ पे पांच भी लिख दिया, तो तीन और पांच एक दूसरे के अपोजिट है, जो एक साथ लिख दिए तो ये बन ही नहीं सकता। इसी तरह से यहाँ पे आप चेक करते हो, देखो यहाँ पे छह और चार, छह और चार एक दूसरे के अपोजिट है, जो एक साथ लिख दिए तो ये भी नहीं बन सकता, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, अब इसमें से बताना है कि भाई कौन सा चित्र कौन सा डायग्राम बनेगा। तो क्या समझाया मैंने अभी, चीजें इजीली क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे देखिए पहला बॉक्स मैंने क्या सिखाया था, अभी पिछले सारे क्वेश्चंस में रिपीट कर रही हूँ, पहला बॉक्स हमेशा तीसरे बॉक्स के क्या होगा, विपरीत होगा। तो पहले बॉक्स में यहाँ पे वन लिखा हुआ है और जो तीसरा बॉक्स है इसमें फोर लिखा हुआ है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक का अपोजिट चार। अब यहाँ पे दूसरा बॉक्स हमेशा चौथे बॉक्स का अपोजिट होगा, तो दूसरे बॉक्स में क्या है? तीन, और चौथे बॉक्स में क्या है? दो, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है, अपोजिट हो गए। अब बचे हुए दो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया? छह और पांच बच गए, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब नोट करके मैंने क्या लिखाया था कि यहाँ पे जो चित्र बनेगा वो ऐसा चित्र बनेगा जिसमें ये जो विपरीत जो नंबर आ रहे हैं ना, वो एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। तो चलो ऑप्शन ए में चेक करते हैं, दो दिया हुआ है, दो का विपरीत क्या है? तीन, तो गाइस यहाँ पे देखो दो का विपरीत तीन है, जो एक साथ दिखाई दे गया तो ये तो नहीं बनेगा। इसी तरह से देखो यहाँ पे दो और तीन लिखा हुआ है, तो दो और तीन तो एक दूसरे का विपरीत है, तो ये बन ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो तीन लिखा हुआ है, तीन का विपरीत क्या है? दो है, तीन का विपरीत दो है, तो इसमें चलो नहीं दिखाई दे रहा, चांस है बनने के। अब पांच, पांच का अपोजिट क्या है? छह, है ना, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर यहाँ पे चार लिखा है, चार का विपरीत है एक, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी जो ये जो विपरीत नंबर है ना, अपोजिट नंबर, वो एक साथ नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अब इसमें बताना है कौन सा डायग्राम बनेगा इससे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या सीखा कि पहले बॉक्स का हमेशा जो विपरीत होगा, अपोजिट होगा, वो तीसरा बॉक्स होगा। पहले बॉक्स में पांच छह लिखा हुआ है और तीसरे बॉक्स में पांच लिखा हुआ है, तो ये एक दूसरे के नंबर, ये जो नंबर है छह का अपोजिट पांच हो गया, पांच का अपोजिट छह हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे दो का अपोजिट क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा, क्योंकि दूसरा बॉक्स हमेशा चौथे बॉक्स के विपरीत होगा। अब जो बचे हुए जो नंबर हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो यहाँ से एक बच गया और इधर से तीन, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब तो इजीली चेक कर सकते हो, क्या अपन ने चेक किया, नोट मैंने क्या लिखाया था
कि जो अपोजिट नंबर है वो कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा डायग्राम बनेगा। मैंने क्या बताया, इन डायग्राम में से अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे बात करें तो दो यहाँ पे लिखा है और दो का अपोजिट क्या है, चार। तो चलो चार यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है तो अभी चांस है इसके बनने के। अब यहाँ लिखा है एक, एक का अपोजिट क्या है, तीन। तो ये देखो एक का अपोजिट तीन यहाँ पे साफ दिख रहा है, अपोजिट नंबर एक साथ आ गए तो ये तो नहीं बनेगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन बी में मैंने देखा यहाँ पे दे रखा है दो, अब दो का अपोजिट क्या है, चार। तो दो का अपोजिट चार है तो चार यहाँ पे दे दिया, यानी अपोजिट एक साथ आ गए तो ये नहीं बनेगा ये भी। अब यहाँ पे सी में हमने देखा तीन, तीन का अपोजिट क्या है, एक। तो एक नहीं दिखाई दे रहा अभी, अभी चांस है इसके बनने के। फिर यहाँ दे रखा है पांच, पांच का अपोजिट क्या है, छह, है ना। तो छह भी नहीं दिखाई दे रहा, और चार का अपोजिट क्या है, दो। तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि इसमें कोई भी अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिखाई दे रहे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पे बताइए कि इससे कौन सा चित्र बनेगा, ये बताना है गाइस। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक चीज यहाँ पे इसमें मिस है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ सर्कल है ना, यहाँ सर्कल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने एक चीज देखी किस तरह से होगा ये क्वेश्चन गाइस, बहुत ही आसान है। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसके बाद इसी तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी ये खाली बॉक्स है, चलो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब उसके बाद अब क्या बच गया, अब एक तो ये सर्कल बच गया, और ये सर्कल के अलावा ये चार जो ये इस तरह के कोने दिखाई दे रहे हैं ये बच गए। तो कोई टेंशन नहीं है, ये जो चार कोने हैं ना, ये चार कोनों से देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गाइस, ये जो चार कोने हैं इससे ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, और ये किसका, और क्या बच गया, यहाँ सर्कल बच गया, तो इसका अपोजिट ये होगा। अब यहाँ पे ये जो अपोजिट है वो एक दूसरे के यहाँ पे दिखाई नहीं देने चाहिए, तो वही चीज यहाँ पे देखनी है। ऑप्शन ए में मैंने देखा कि इस तरह का आधा कुछ दिखाई दे रहा है और सर्कल, तो इसके साथ सर्कल तो दिखना ही नहीं चाहिए, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब इसी तरह से देखो यहाँ पे ये वाला जो फिल वाला चित्र है इसके साथ यहाँ सर्कल है, तो ये भी नहीं दिखना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो है, ये वाली चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसके साथ यहाँ पे सर्कल है, तो ये अपोजिट एक साथ दिखाई दे गया, तो ये भी नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में, यहाँ ये ब्लैंक वाला है, खाली वाला, तो खाली वाले का अपोजिट क्या है, ये खाली वाले ही है ना, लेकिन दो दो है ना, तो हो सकता है भाई ये वाला जो है, ये वाला जो है इसका मतलब ये अलग है और ये वाला अलग है, ये भी तो हो सकता है ना। और यहाँ पे सर्कल दे रखा है, सर्कल का विपरीत है वो ये वाला है, तो ये दे नहीं रखा, तो यहाँ पे चांस है किसके, जो ऑप्शन डी है ये बनेगा, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद कर रही हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ चुकी होगी, और अगर कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में उस क्वेश्चन को वापस से हम आराम से करा सकें। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि जितने ज़्यादा हो सके उतने लोग यहाँ पर जुड़ पाएँ। आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। तो गाइस आज का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ घंटी की चिन्ह को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।